नमस्कार, मी जयंती वाघधरे. जी 24 तासच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपल्या सोबत आहे अभिनेते सुनील शेट्टी. सुनीलजी, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं जी 24 तासमध्ये. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. सुनील शेट्टी आपल्या सोबत जोडले गेलेत त्याचं निमित्त खास आहे, कारण सध्या लॉकडाऊन आहे आणि लॉकडाऊनमध्ये डब्यावाल्यांची खूपच हालत होती आहे आणि त्यांच्या मदतीसाठी सुनील शेट्टी हे धावून आलेले आहेत. अगदी सुरुवातीला मला सुनीलजी तुम्हाला हा प्रश्न करायचा आहे की तुम्ही आहात, संजय दत्त आहेत, तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ही जी मोहीम सुरू केली आहे जिथे तुम्ही डब्यावाल्यांची मदत करताय, त्यांना आर्थिक सहायता देताय, मला या मोहिमेविषयी सांगाल. हा आयडिया आलेला आपल्या ऑनरेबल मिनिस्टर श्री असलम शेखला, गार्डियन मिनिस्टर जी मुंबईचा आहे, त्यांची आयडिया होती आणि त्यांनी मला आणि बाबाला सांगितलं आणि बाबाला वाटलं की यु नो अण्णा आम्हाला मदत करायला पाहिजे, कशाला 130 वर्षापासून हे आपल्याला सर्व्हिस देतात, आपल्या घरात आपल्या ऑफिसात ते लोक येऊन आपल्याला टिफिन देतात आणि कधीच तुम्ही बघितलं तर 99% टायमिंगचा पण विषय कधी राहतच नाही, ऍब्सोल्यूट परफेक्ट राहतात. आणि ह्या लॉकडाऊन मध्ये त्यांना लईच त्रास आहे. 5,000 फॅमिलीज आहे आणि त्यांना बेसिक एम्युनिटीज पण नाही भेटते. त्यासाठी सेव्ह द चिल्ड्रन बरोबर आम्ही मिळून आम्हाला वाटलं की आम्हाला काय करायला पाहिजे. इट वॉज लॉन्च्ड बाय बाबा संजय दत्त आणि असलम भाई आणि मी सपोर्टसाठी आलो आणि आता ते सपोर्ट आम्ही कंटिन्यू करतात आणि त्यासाठी मी जी 24 तासला पण त्याचा आभारी आहे की तुम्ही या विषयाबद्दल बोलतात आणि सर्वांना हे मेसेज पण देतात की आपल्याला मुंबईचा डब्बावाले जे आहे, महाराष्ट्राचे जे डब्बेवाले आहे, जे लाईफलाईन आहे महाराष्ट्राचे, आपली शान आहे, त्यांना सपोर्ट करतात. मला एक आणखी प्रश्न तुम्हाला करायचा आहे सुनील सर, म्हणजे अनेक वर्षांपासून तुम्ही महाराष्ट्रात राहताय, मुंबईत राहताय आणि खूप उत्तम मराठी बोलता तुम्ही, कारण आज जी 24 ताशी बोलतानाही तुम्ही मराठी उत्तम स्पष्ट मराठी बोलतो, पण असं नाही मी घाबरतो बोलायला की नाहीतर मी असं माझ्या टीम बरोबर स्टाफ बरोबर मराठी मध्येच बोलतो आणि मुंबईचाच आहे मी. आय मीन 59 इयर्स झालं माझं मुंबईमध्ये, तर मराठी नाही बोललं तर चालणार पण नाही आणि कर्मभूमी आहे माझं हे, तर हे यु नो दिस इज समथिंग दॅट शुड कम नॅचरली टू मी. सुनीलजी, एकीकडे डब्यावाल्यांची मदत करताय तुम्ही, दुसरीकडे तुम्ही अनेक सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहात हे मलाही माहिती आहे की ऑफ द रेकॉर्ड तुम्ही अनेकदा जितकी मदत होऊ शकते तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करताच. पण बॉलिवूडचा जर विषय आला तर सुनीलजी, आज अनेक अशी जण आहेत जे बॉलिवूडला टार्गेट करतात आणि बॉलिवूडला वाईट म्हणण्याचा प्रयत्न करतात. बॉलिवूडच म्हणजे बॉलिवूड विलन आहे असं एक पिक्चर आता निर्माण झालेला आहे, किंवा सगळी वाईट माणसं ही बॉलिवूडमध्येच भरलेली आहेत असं एक पिक्चर निर्माण होत आहे. तुम्हाला याविषयी बोलायचं आहे, कारण अनेक वर्षांपासून तुम्ही या बॉलिवूडमध्ये काम केलेलं आहे आणि तुमच्यासारखे अनेक असे कलाकार आहेत जे बॉलिवूडमध्ये काम केलेलं आहे आणि जे समाजकार्यही करतात, त्यामुळे बॉलिवूडला नावं ठेवणाऱ्यांना तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? टीआरपीस, त्यांना टीआरपीस पाहिजे, टीआरपीस चाहिए उनको, तो उन लोगों को कोसते हैं जिनको लोग दुनिया चाहती है और लोग देखना चाहते हैं. ये नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि यू नो हम दूध के दूल्हे हैं, गलतियां हमारे वहां भी हुई है, लेकिन गलतियां हर एक करता ही है. अगर ड्रग्स कोई ले रहा है तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ड्रग्स बिकता है, ड्रग्स अगर बिकता है तो ड्रग्स इसलिए बिकता क्योंकि पैसे बनते हैं, पैसे अगर बनते हैं उसका मतलब सिस्टम भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं. तो आई थिंक हमें उस पूरी चेन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उस पूरी चेन को एडुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जड़ से जो सप्लायर्स है इन ड्रग्स के उन्हें रोकने की जरूरत है, जिन बच्चों को मदद की जरूरत है उन्हें रिहैब में डालना बहुत जरूरी है, उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. दुनिया के लिए कोई ड्रग एडिक्ट होगा, लेकिन एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए वो सिर्फ ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है और वो उनकी वीकनेस है, तो वो यही चाहेंगे कि रिहैब में डालो. जो लोग मजे के लिए कंज्यूम करते हैं उन्हें एक्सपोज कर दो.
मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ कि उन्हें एक्सपोज कर दो, और एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बच्चे जो गलत संगत में है उन्हें मदद की जरूरत है, उनकी मदद करो। तो नजरिया अलग अलग है देखने का। बॉलीवुड को कोसते जरूर है लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हमने हजारों सालों साल से आप लोगों को एंटरटेन किया है। एक आदमी या पांच आदमी के खराब होने से एक इंडस्ट्री खराब नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा, 12 इंडस्ट्रीज है, 22 एसोसिएशंस है, एक फेडरेशन है, 22 by 12 आप करो तो कम से कम 240-250 एसोसिएशंस है। 250 एसोसिएशन में लाखों लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम चार लोगों की वजह से पूरे इंडस्ट्री को गाली देंगे? मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं पार्टीज में जाता नहीं, मैं चापलूसी में बिलीव नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा आदमी हूँ और भगवान हूँ। मेरे में भी खामियां हैं। वैसे ही चार आदमी अगर कुछ कर रहे हैं तो आप सारे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरी यही विनती है लोगों से कि सोचे समझे, जरूर हमें याद दिलाए, हमें रिप्रिमांड करे कि हम गलत कर रहे, लेकिन ऐसे भी मत कीजिए कि हमें गटर और हमें ऐसे नाम दे जो 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 अच्छा नहीं लगता। 30 साल से अगर मैं हूं तो 30 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, 120 फिल्में की है मैंने, शायद अच्छा काम भी किया है, वर्क सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी अच्छा काम किया है, तो उसे तो याद रखिएगा, उसे तो रिस्पेक्ट कीजिएगा, और जनरलाइज मत कीजिए प्लीज। हमें हमारे बच्चों को मेरी विनती है कि जनरलाइज मत कीजिए। और ये चीज हमारे समाज में है, ड्रग्स जो है हमारे समाज में है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ नाडा का, एंटी डोपिंग। मेरा सालों साल से यही कहना है कि ड्रग्स तो दूर की बात, ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी मत लो जिससे आपके परफॉर्मेंस एनहांस हो। एथलीट के लिए इट्स द एंड ऑफ हिज करियर। तो मेरी भीख तो हमेशा यही रही है, ये मैं सिर्फ यही मांगता आ रहा हूँ हमेशा, और मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया, ये वॉलंटरी है। मैं दिल से जो करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि मेरा देश इन्वॉल्व है, मेरे एथलीट्स इन्वॉल्व है। तो मेरा बोलना यही है कि जिन बच्चों को मदद की जरूरत है उन्हें हम मदद दे, उन्हें रिहैब पे भेजे, और जिन्हें आपको एक्सपोज करना और आपको लग रहा है कि एक सर्कल में फिट होने के लिए या मजा लेने के लिए कर रहे हैं, उन्हें जरूर एक्सपोज कीजिएगा, यू नो। बट लेट्स लुक एट दिस एज अ प्रॉब्लम दैट द कंट्री इज फेसिंग, यू नो। व्हाई आर ड्रग्स सो रैम्पेंट? दे आर रैम्पेंट बिकॉज़ द सिस्टम हैज समवेयर बीन लीनियंट टुवर्ड्स इट, राइट? सो द सिस्टम ऑल्सो हैज टू रियलाइज दैट Let's cut it at the core. ये जो माफिया है जो ड्रग सप्लाई करते हैं उन्हें काट दीजिए आप। जब सप्लाई ही नहीं होगा और इतनी आसानी से मिलेगी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन एक बात की खुशी भी है मुझे कि ये बात मुद्दा निकला हुआ है कि आगे की नस्ल जो है, आगे के जो बच्चे हैं वो डरेंगे इन चीजों से, वो घबराएंगे, और उन्हें पता चलेगा कि गुडविल क्या चीज होती है, एक इंसान का नाम अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उनके लिए नहीं, मेरा नाम खराब हो जाए, मैं गलत करूं और मेरा नाम खराब हो जाए तो टू हेल विथ मी, आई डिजर्व व्हाट आई डू। लेकिन माँ बाप का नाम, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, कंपनी का नाम, दोस्तों का नाम, फैमिली का नाम, सभी का नाम खराब होता है, और उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। जो गलती हम करते हैं वो क्यों भुगते, उनके लिए टॉर्चर है। तो आई थिंक सभी लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। जो टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं और बार बार हमें मार रहे हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं, और एनसीबी कमाल का काम कर रही है, जिन्हें एक्सपोज करना है, और जो जेन्युइनली गिल्टी है उन्हें एक्सपोज कीजिए। बहुत सारे बच्चों का नाम आएगा, बहुत सारे बच्चों का नाम लिया जाएगा, लेकिन नाम लेने का मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है। बहुत सारे लोग गिल्टी भी होंगे तो उन्हें एक्सपोज कीजिए, हम भी जानना चाहेंगे। बस इतना ही कहूंगा। और इंडस्ट्री है मेरी कर्मभूमि है, बहुत कुछ दिया उसने मुझे, तो उसे बदनाम मत कीजिएगा। एक इंसान इंडस्ट्री नहीं बनता और पांच लोग
इंडस्ट्री नहीं बनते, तो आप एक इंडस्ट्री को, एक फैमिली को, एक कौम को, एक मजहब को आप गाली नहीं दे सकते. नॉट फेयर, नॉट फेयर. आपण मगाशी म्हटलं की संजय दत्त, तुम्ही आणि असलम शेख यांनी सगळ्यांनी मिळून ही मोहीम सुरू केली डब्यावाल्यांसाठी, तर या दरम्यान संजय दत्त जे आहेत त्यांची प्रकृती थोडीशी बिघडली आणि त्यांना कॅन्सर डिटेक्ट झालं, तर या संदर्भात तुमचं त्यांच्याशी काही बोलणं झालं का आणि कशा पद्धतीनं तुम्ही त्यांना? रेग्युलरली बोलतो, पण मेन काय आहे ना, ही इज इन माय प्रेयर्स एव्हरी सिंगल डे, और सुबह हो शाम हो मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि बाबा ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए, और हो भी जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रांग इंसान है, बहुत कुछ झेला उसने, और यही कि भगवान ऊपर वाला उसे उसके फैमिली को सभी लोगों को ताकत दे. एंड आई विश हिम वेल एंड ओनली वेल. सर, आता लॉकडाऊन आहे आणि जिथे आपण म्हणतोय की जवळपास अनलॉकिंगचाही पिरियड सुरू झालाय, या दरम्यान आता आपले थिएटर्स बंद आहेत, मल्टिप्लेक्स बंद आहेत, पण अनलॉकिंगमध्ये बऱ्याच गोष्टी आता सुरू करतोय आपण, तर तुमची काही अशी विनंती आहे का की लवकरात लवकर थिएटर्स सुरू व्हावे किंवा मल्टिप्लेक्स सुरू व्हावे, याविषयी सरकारशी काही तुमची अशी काही विनंती आहे जे तुम्हाला मांडायचं आहे इकडे? इंडिव्हिज्युअली हेच बोलायचं आहे की जितकं लवकर हे सर्व खोलणार ते तितकं बरं. सर्वच बिझनेस खोललेलं आहे, एसओपीज देऊन, गाईडलाईन्स देऊन. हे थिएटर्स जे आहे, खास करून सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आणि मल्टिप्लेक्सेस उघडणं जरुरी पण आहे. इट्स द लाईव्हलीहूड ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल, फिल्म मेकिंग वर्कर्स, टेक्निशियन्स, थिएटर ओनर्स, एक मोठं चेन आहे. अँड मुंबईची शान आहे, तर त्यासाठी जितकं लवकर हे खुललं तितकं बरं सर्वांसाठी. सुनीलजी, यालाच जोडून एक प्रश्न होतो, म्हणजे ओ टी टी प्लॅटफॉर्मकडे सगळेच वळलेले आहेत आणि मला एक प्रश्न असा करायचा की तुम्ही किती ओ टी टी प्लॅटफॉर्मवर आपला वेळ देता? तुम्ही तिथे सिनेमे पाहता का किंवा तिथला कॉन्टेंट तुम्ही पाहता का आणि तुमचा आवडता कॉन्टेंट त्यावरचा कुठला आहे, शेअर करू शकाल का आमच्याशी? मी बघतो, मी आय फॉलो हॉटस्टार, सारे जे सर्व इंडियन वेब सिरीज आहे त्याला फॉलो करतो, मी बघतो आणि एनकरेज पण करतो. तसंच मी नेटफ्लिक्स रेग्युलरली बघतो आणि हे नाही की फिक्शन, नॉन फिक्शन पण मी बघतो आणि एन्जॉय करतो. पण आता तर आपलाच ब्रँड आहे, आयपीएलचे जे ब्रँड आहे, क्रिकेटचा ब्रँड आहे, आपल्या इकॉनॉमीसाठी छान आहे, तर मी जास्त IPL फॉलो करतो आणि क्रिकेट फॉलो करतो. आय एम एन एव्हिड क्रिकेट वॉचर, बहुत क्रिकेट मुझे पसंद भी है. ऑफकोर्स वो मजा है नहीं लाइव क्रिकेट का और लाइव स्टेडियम का, लेकिन मजा जरूर है और कोशिश यही करूंगा कि IPL को एनकरेज करूं और सारे उन प्लेटफॉर्म्स को एनकरेज करूं जो इंडियन कंटेंट बनाते हैं. और फिलहाल सोच मेरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया सेंट्रिक चीजों को बढ़ावा दो. फिल्म इंडस्ट्री विषयी मला तुम्हाला एक प्रश्न करायचा आहे की आज मुंबईमध्ये आपली फिल्म इंडस्ट्री आहे आणि सगळं काही काम जे आहे ते मुंबईतून चालतं आहे आणि मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीमुळे मुंबईला एक वेगळी ओळख ही मिळून राहिलेली आहे, पण आज अनेक वेगळ्या राज्यांमध्येही आता फिल्म इंडस्ट्रीची सुरुवात होती आहे. दिल्ली असो किंवा UP, या ठिकाणीही आता फिल्म इंडस्ट्रीची सुरुवात होणार आहे, तर कशा पद्धतीनं तुम्ही याचं स्वागत करताय, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे याविषयी, आणि कधी जर मोठी इंडस्ट्री तिथे झाली तर मुंबई जर सोडण्याची वेळ आली तर तुम्ही मुंबई सोडणार का? तसं होणारच नाही, मुंबई कधी पण और हमेशा रहेगा एपी सेंटर फॉर सिनेमा. वैसे तो फिल्में हर स्टेट में फिल्में बन रही है, 12 स्टेट्स में फिल्में बन रही है, 12 टाइप की फिल्में बन रही है. अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, बरच है कि इंडस्ट्री सर्व ठिकाणी इंडस्ट्री चालू होणार. काम तितकंच काम आहे, इनफ वर्क, वेब आहे, टेलिव्हिजन आहे,
इतना सारा काम है कि मुझे यही लगता है कि अगर हमारी फैमिली बड़े और बहुत बड़ा हो जाए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हो जाए, यही मैं चाहूंगा। और जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई को आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, मुंबई की चार्म को रिप्लेस नहीं कर सकते, मुंबई के कल्चर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी नहीं। मुंबई हमेशा एपिसेंटर रहेगा मीडिया का और मुंबई हमेशा कैपिटल रहेगा एंटरटेनमेंट का। मुंबई छोड़ के जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, कभी नहीं। जरूर शूटिंग के लिए जहाँ जाना है जाएंगे, जितने दिन रहना है रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि शूटिंग जब होगी तो इंडिया में ही होगी और इंडिया के बाहर, और इंडिया के बाहर होनी भी नहीं चाहिए अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि अगर ग्रोथ की जरूरत है तो इंडिया को जरूरत है, काम की जरूरत है तो इंडियंस को जरूरत है। हर चीज अगर हम इंडियन आज सपोर्ट करेंगे तब जाके हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और हम दोबारा अपने पांव पे खड़े रह पाएंगे, हमारे लोग तो वक्त खाना खा पाएंगे। तो आई थिंक हर इंसान का ये फर्ज होना चाहिए कि अगर आप ट्रैवल करो तो इंडिया में ट्रैवल करो, खर्चा करो तो इंडिया में खर्चा करो, कुछ भी करो तो अपने देश में करो, ताकि अपनी देश की इकोनॉमी बढ़े और ना कि चाइना की और बाजू के जगहों की। थैंक यू सो मच सुनील जी, आज आप हमारे शो में शामिल हुए, तुम्ही या शो मध्ये आलात, आम्हाला वेळ दिलात आणि तुमचा हे जे समाज कार्य आहे जे तुम्ही डब्यावाल्यांसाठी करताय आणि अन्यही समाज कार्य करताय ते अशाच पद्धतीने करत राहा, खूप खूप धन्यवाद आणि पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू सो मच। तेव्हा या विशेष कार्यक्रमात आज आपण इथेच थांबतोय, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।